समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल यादव इन दिनों जबरदस्त चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। अपने प्रचार के दौरान शिवपाल यादव विपक्षी नेताओं पर भी हमला बोलने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। इसी कड़ी में इस बार शिवपाल यादव के निशाने पर बीएसपी प्रमुख मायावती आ गई हैं। दरअसल शिवपाल यादव बदायूं में अपने बेटे आदित्य यादव के समर्थन में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे। यहीं पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती पर उन्होंने हमला बोल दिया। शिवपाल यादव ने कहा कि मायावती भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही हैं और उनके इशारे पर ही टिकटों का बंटवारा भी कर रही हैं। शिवपाल यादव ने मायावती के तुष्टीकरण के आरोपों पर कहा, उनको ये पूछिए कि तुष्टीकरण जो भारतीय जनता पार्टी कहती है अब ये कहने लगी। उन्होंने यहाँ जितने भी टिकट दिए हैं वो भाजपा के कहने पर दिए हैं। सपा नेता ने कहा, पहले उन्होंने मैनपुरी से गुलशन शाक्य को टिकट दिया था, फिर क्यों उनका टिकट काट दिया, फिर आजमगढ़ से टिकट काटा, फिर यहाँ बदायूं में भी प्रत्याशी बदला। उन्होंने कहा कि बसपा ने ये सब कैंडिडेट बीजेपी के कहने पर बदले हैं। साथ ही कहा कि बीएसपी का वोट खिसक रहा है और समाजवादी पार्टी को सभी वर्गों का समर्थन मिल रहा है। बीजेपी ने किसी भी समाज के लिए काम ही नहीं किया है, केवल विघटन की राजनीति की है, केवल इन्होंने भाई भाई को लड़ाने का काम किया है, इसीलिए पूरे देश की जनता इनसे नाराज है। यही वजह है कि बीजेपी वाले बौखलाए हुए हैं। आरक्षण के सवाल पर उन्होंने कहा कि फिर ये लोग जातीय जनगणना क्यों नहीं करवा रहे हैं। आपको बता दें कि सपा नेता शिवपाल यादव अपने बेटे आदित्य यादव को लेकर चुनावी मैदान में लगातार चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। जनता के बीच जाकर आदित्य यादव के पक्ष में वोटों की अपील कर रहे हैं। बदायूं लोकसभा सीट से आदित्य यादव ने इस बार चुनावी मैदान में ताल ठोकी है। इससे पहले सपा ने यहां शिवपाल यादव को टिकट दिया था, बाद में शिवपाल यादव का नाम बदलकर उनके बेटे आदित्य यादव को चुनावी मैदान से उतारा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस यूपी।